महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद शिवसेना संजय राउत ने दावा किया है कि उन्हें भी गुवाहाटी जाने का ऑफर मिला था, लेकिन मैं बाला साहब ठाकरे का सच्चा अनुयायी हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। जब सच्चाई आपके पक्ष में है तो डरना क्यों है। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की पूछताछ को लेकर संजय राउत ने कहा कि मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर कोई जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ के लिए बुलाती है तो मैं बयान दर्ज करने जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ राजनीतिक दबाव के चलते ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा पर तंज कसा है। शिवसेना ने लिखा है कि भाजपा के लोग बड़े मन और छोटे मन की बात कर रहे हैं, लेकिन अटल जी कह गए हैं टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। शिवसेना ने चेतावनी दी है कि सरकार अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि यह शिवराय का महाराष्ट्र है, ना कि भ्रष्ट राज का महाराष्ट्र। आपको बता दें कि 11 दिन बाद सूरत, गुवाहाटी और गोवा घूम चुके शिवसेना के बागी विधायक शनिवार को मुंबई लौटेंगे। सभी विधायक पहले गोवा में एक मीटिंग करेंगे, इसके बाद चार्टर्ड विमान से मुंबई लौटेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सभी को लेकर आएंगे। इधर शिवसेना के राजन साल्वी ने स्पीकर पद से नामांकन दाखिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।